हेलो दोस्तों, आज है 28 जून 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है, काम धंधा करने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबरें, लोन से जुड़े अपडेट भी जानेंगे। इसके अलावा सरकार के बड़े फैसले, वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला, काम की बड़ी खबरें आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 28 जून का दिन है और हर साल 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे यानी राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाते हैं। और आज का ये दिन मनाने का भी एक खास इतिहास है। इंटरनेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के पीछे का खास इतिहास बहुत ही दिलचस्प है और इसकी शुरुआत 17वीं सदी के लंदन में एक दुखद आग लगने की घटना के बाद हुई थी। यानी लंदन में जो आग लगी थी उसकी वजह से ही पहली बार इंश्योरेंस कंपनियों का विकास हुआ और इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट सामने आए और बाद में इसने दुनिया भर में इंश्योरेंस कंपनियों की स्थापना और इंश्योरेंस जागरूकता दिवस के जश्न को भी प्रभावित किया। लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा हम करवाते हैं, क्यों करवाना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, लोगों में जागरूकता फैले, इसके लिए वर्ल्ड इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। आपको जानकर भी जरूर हैरानी होगी, भारत में लाइफ इंश्योरेंस खरीदने वाले लोग बहुत ही कम है और नंबर और आंकड़े इस क्लेम का समर्थन करते हैं। बात करते हैं साल 2022 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत में 100 में से केवल और केवल 3 लोगों के पास से लाइफ इंश्योरेंस है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अवेयरनेस किस तरह से जरूरी है। मतलब दोस्तों, इमरजेंसी में वित्तीय सुरक्षा मिलती है, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मॉनेटरी सपोर्ट भी मिलता है, सेविंग और वेल्थ क्रिएशन के फायदे। तो ऐसे में अपने बजट और जरूरतों के हिसाब से आप भी बीमा के बारे में प्लान चुन सकते हैं। आजकल तो बीमा की बहुत सारी योजनाएं, स्कीम वगैरह चलती हैं। खबरों में शुरुआत करते हैं बड़ी खबर, बजट 2024 में सीनियर सिटीजन को ज्यादा फायदा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दूरगामी नीतियों वाला बजट होगा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और इस संबोधन में राष्ट्रपति जी ने कहा कि आम बजट को लेकर आगामी बजट में दूरगामी नीतियों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा बजट का सबसे ज्यादा लाभ सीनियर सिटीजन को मिलेगा, साथ ही बजट में किसानों के लिए भी ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्रीय बजट में देश के प्रमुख आर्थिक और सामाजिक फैसलों की घोषणा के साथ ऐतिहासिक कदम भी उठाए जाएंगे। 70 साल के हर बुजुर्ग के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आयुष्मान का दायरा भी बढ़ेगा। राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण, सेनाओं में सुधार का दावा, अग्निवीर का नाम नहीं, शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष के नीट नीट के नारे भी लगे। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ और 50 मिनट के इस भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी, सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई, नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के बारे में भी बातचीत की गई, जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर भी बताया, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चलाया, किसानों के लिए एमएसपी को लेकर भी जानकारी बताई। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान पर सबसे बड़ा हमला था आपातकाल, साथ ही कहा कि भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में, दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार 3री बार सरकार बनाई है, 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसे समय में जब भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर हैं, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार 3री बार भरोसा जताया है ना। और बड़ी खबर है, खड़गे के आवास पर इंडिया नेताओं की बैठक हुई। लोकसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे तय हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दल के नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में विपक्षी दल के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की और ये तय किया कि सदन में नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाएगी। वित्तीय प्रणाली मजबूत, बैंकों का कुल एनपीए 2.8% पर आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी जानकारी दी है। एनपीए काबू में है लेकिन कृषि क्षेत्र में अभी भी ज्यादा है, वित्तीय सेक्टर को भी वैश्विक बनाने की जरूरत है, रिजर्व बैंक ने यह बात कही है। बैंकिंग सेक्टर की हालात मजबूत, 2012 के बाद पहली बार ग्रोस एनपीए 3% के नीचे आया है। बड़ी खबर आ रही है, हिताची पेमेंट सर्विस को आरबीआई से ऑनलाइन भुगतान की अनुमति मिल गई है। हिताची पेमेंट ने एक बयान में कहा कि इससे कंपनी को अपने डिजिटल सॉल्यूशन और सर्विस का विस्तार करने में मदद मिलेगी। यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड और वॉलेट के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाएं भी शामिल है ना। और नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी, पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष अरेस्ट किए गए। दोनों ने पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था और इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट को इकट्ठा करके आंसर रटवाए गए थे। विपक्ष नीट विवाद पर दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाएगा, वहीं सरकार ने कहा कि जवाब देने को तैयार है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने किया 29 जुलाई से लोक अदालत का ऐलान, कहा कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों से चिंतित। 29 जुलाई को लोक अदालत की शुरुआत
की घोषणा करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आम जनता से स्थिति का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि वे सभी मामलों के बड़ा बैकलॉग के बारे में चिंतित हैं। आपको बता दें 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि अब तक पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। आपको मालूम होगा भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसी महीने जून में लंदन गए थे और यहां ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी ने उनके साथ एक चर्चा रखी और इस दौरान उनसे पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में जुडिशरी पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि बतौर जज 24 साल के करियर में उन्हें कभी भी किसी सरकार के राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। सीजेआई ने कहा कि परंपराओं के अनुसार भारत में जज सरकार के पॉलिटिकल ब्रांच से अलग थलग जीवन जीते हैं। और बड़ी खबर आ रही है, लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज, तबियत बिगड़ने के बाद बुधवार रात भर्ती किए गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि माइनर ऑपरेशन हुआ। फिलहाल देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं दिल्ली एम्स के शोध में एक बड़ा खुलासा हुआ है, मां के दूध से होगा ब्लैक फंगस का इलाज। कोरोना महामारी के बाद मामले बढ़े थे। 10 साल बाद इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड को 68 रन से हरा दिया गया। 2022 के सेमीफाइनल की हार का भी बदला पूरा हुआ, यानी 10 साल बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हरा दिया। और जंगल में छिपे दहशतगर्द, जम्मू कश्मीर के डोडा में 6 से 7 आतंकी सक्रिय हैं, 3 का सफाया हो चुका है। इन सभी दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की आशंकाएं हैं और इस मामले में पुख्ता शिनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। देश में पहली बार NCMC कार्ड सेवा हिमाचल प्रदेश से शुरू होगी। 15 जुलाई से यात्री NCM कार्ड यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी किराया चुका सकेंगे। ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य और HRTC पहला परिवहन निगम बनने जा रहा है। यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के बाद अब 15 जुलाई से ही यात्री NCMC कार्ड यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी किराया चुका सकेंगे। और इस NCMC कार्ड को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये प्रीपेड कार्ड के रूप में तो काम करेगा ही, इसका उपयोग ATM कम डेबिट कार्ड के रूप में भी हो पाएगा, है ना। और शेयर मार्केट ने इतिहास रच दिया, 31 साल में दूसरी बार बड़ा कारनामा हुआ। शेयर बाजार लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ, जिसमें लगातार 3 दिनों तक नए रिकॉर्ड बने। सेंसेक्स 79,243 और निफ्टी 24,044 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ, यानी लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई बना। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू 9% बढ़कर 2.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इन्फोसिस दूसरे नंबर पर है। टाटा ग्रुप को एक बार फिर भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया गया है। ब्रांड फाइनेंस की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं मेक्सिको चीन को पछाड़कर भारत बना नंबर 1। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से हिले दुनिया के 195 देश। विदेशी धरती पर रहकर भारतीयों का अपने देश, घर और परिवार के साथ रिश्ता कभी नहीं टूटता है और इसका जीता जागता उदाहरण है। इन लोगों ने हर साल पैसा अपने देश इंडिया को भेजा है। भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहे अपने देश और परिवार को कभी नहीं भूल सकते। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि साल 2023 में भारत को विदेश से रिकॉर्ड $120 अरब मिले हैं। पिछले साल के मुकाबले 7.5% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में विदेशों से आने वाला पैसा 7.5% की दर से बढ़ा है। बाहर लोग कमाने जाते हैं और फिर अपने देश में पैसे भेजते हैं, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर्स रेगुलेशन के नए नियमों को मंजूरी दी है। डीलिस्टिंग नियमों में भी छूट मिली है। शेयरों के डेरिवेटिव सेगमेंट के नियमों में भी बदलाव हुआ है। सेबी ने गुरुवार 27 जून को बोर्ड मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए, है ना। और रिलायंस जियो ने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है, टैरिफ प्लानों को महंगा कर दिया है। 3 जुलाई से नए प्लान लागू हो जाएंगे। जियो का रिचार्ज 25% तक महंगा हो जाएगा। 239 वाला प्लान अब 299 रुपए में मिलेगा। 3 जुलाई से नई दरें लागू होंगी। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतें 15% से लेकर 25% तक बढ़ा दी है। वहीं ऐसी खबरें हैं कि जुलाई से आपका मोबाइल बिल और महंगा हो सकता है। टैरिफ बढ़ाने जा रही कंपनियां, मोबाइल का इस्तेमाल करना थोड़ा महंगा हो जाएगा, है ना। और भारत में 2025 से लागू होगा नया कानून, सभी मोबाइल और टैबलेट में एक कॉमन चार्जर का इस्तेमाल हो पाएगा। भारत सरकार यूरोपियन यूनियन की तरह एक नया कानून लागू करने की तैयारी कर रही है और इस नियम के अनुसार देश में अब एक ही तरह की डिवाइस के लिए एक ही तरह के चार्जर का इस्तेमाल होगा। वहीं आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट केंद्र में शामिल होगा। दुश्मन के हवाई हथियार को पल भर में मात देगा DRDO का एक खास ड्रोन, 10 परीक्षण में 100% सफल रहा है। भीगने की आदत डालने दिल्ली वाले, 3 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है और अगले कुछ ही दिनों में दिल्ली में मानसून आने वाला है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शनिवार को बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। फिलहाल राजधानी दिल्ली के लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मानसून की एंट्री, 29-30 जून तक दिल्ली भी पहुंच सकता है। मानसून देश के उत्तरी राज्यों में दाखिल हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दक्षिण पश्चिमी मानसून ने पूरी तरह कवर कर लिया है और इसके साथ ही मानसून गुजरात, राजस्थान के कुछ और इलाके, उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाके और बिहार में आगे बढ़ गया है। मानसून उत्तरी पंजाब में भी दाखिल हो गया है। राजस्थान में भी बारिश और बिजली गिरने से दो लोगों की जानें चली गई। राजस्थान में मानसून की एंट्री होने के बाद अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के भी बाकी बचे हुए 6 जिलों में भी मानसून पहुंच गया है, यानी मानसून ने पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है। भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में तेज बरसात देखने को मिल रही है। यूपी के 16 शहरों में भी जोरदार बारिश हुई। जालौन में सड़कों पर पानी भराया। बिजली गिरने से 5 जिलों में 9 लोगों की जान जाने की खबर यूपी से आ रही है। इधर झारखंड में भी 2 दिन गर्मी से राहत नहीं के आसार। प्रदेश में 29 जून से मानसून का असर दिखाई दे सकता है। 30 तारीख से पूरे राज्य में बारिश की संभावनाएं हैं। हरियाणा में भी आज तेज बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में मानसून की एंट्री के साथ ही लुधियाना में बारिश। हरियाणा और पंजाब में गुरुवार को मानसून की एंट्री हो गई। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में मानसून की दस्तक 2 दिन देरी से आया। 6 दिन तक लगातार बादल बरसेंगे, एडवाइजरी जारी हो गई है। पाकिस्तान में गर्मी से 6 दिन में 568 की जाने चली गई। बीबीसी न्यूज ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। वहीं अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कश्मीर पहुंचेगा। बालटाल अनंतनाग बेस कैंप में यात्री रुकेंगे। 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। भारतीय बाजार में जल्दी लॉन्च होंगी सीएनजी कारें। नेक्सॉन सीएनजी से स्विफ्ट सीएनजी तक कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी में युवाओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर गुरुवार को 20,000 करोड़ के ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सांकेतिक रूप से कुछ लाभार्थियों को चेक भी सौंपे। उन्होंने घोषणा की है कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार उन्हें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई से जुड़े लोगों को 1000 दिन तक परेशान नहीं करेगा कोई भी विभाग, हम आगे बढ़ने का मौका देंगे। साथ ही मार्च 2005 से नौकरी पाए प्रदेश के 60,000 कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार की पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना तय हो गया है। अभी हाल ही में कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पेंशन लाभार्थियों से संवाद किया। 88,44,000 खातों में 1,037 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 15% बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के सीधे ही खातों में हस्तांतरण की गई। राजस्थान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। और राजस्थान में स्कूल कॉलेजों के नामकरण में राजनीति नहीं चलेगी, नई गाइडलाइन बनाई जाएगी। राजस्थान बोर्ड के 10वीं-12वीं के स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर। अगले साल 20 फरवरी से शुरू होंगे मेन एग्जाम, आवेदन की डेट घोषित हो गई है। वहीं राजस्थान में अब हर भर्ती के ज्वाइनिंग लेटर सीएम भजनलाल देंगे। 2 महीने में होंगे समारोह। 29 जून को 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी के हाथों ज्वाइनिंग लेटर देने की शुरुआत 29 जून से होने जा रही है। और राजस्थान को पंजाब सरकार नहीं दे रही हिस्से का पानी। किसानों का फूटा गुस्सा, शुरू किया महापड़ाव, बोले की अस्तित्व की लड़ाई है। वहीं राजस्थान में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की जानकारी देने पर 10,000 रुपए मिलेंगे। भंडारण, परिवहन और विक्रय की सूचना दे सकते हैं। जानकारी देने वाले नागरिकों के लिए पारितोषिक योजना शुरू की गई है। वहीं खबर है कि राज्य का बजट 10 जुलाई को 2 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी। खबरें हैं कि राज्य सरकार 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। उद्धव ने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की है। महाराष्ट्र में भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले और इसको लेकर सियासी हलचल जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने 2 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं उद्धव बालासाहेब ठाकरे यूबीटी वाली शिवसेना ने कृषि ऋण को पूरी तरह से माफ करने की मांग की है। करंट अफेयर से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। लेखिका अरुंधति रॉय को मिला 2024 का प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार। यूएपीए के तहत मुकदमे का सामना कर रही है। झारखंड में एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ। प्रतिबंधित माओवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्रोविडेंट फंड को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं कर पाएंगे 5 लाख रुपए से अधिक अंशदान। नीतीश सरकार ने भविष्य निधि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार भविष्य निधि में अधिक अंशदान करने वालों का धन लौटाएगी। सरकारी कर्मचारी 1 साल में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की अंशदान कर सकते हैं। 2023-24 में इस अधिसीमा से अधिक अंशदान वाली राशि बिना ब्याज के ही वापस की जाएगी। और मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र के 4 प्राइवेट स्कूलों पर फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने इन स्कूलों के विरुद्ध 10% से अधिक फीस वृद्धि को लेकर कार्रवाई की है और अब इन स्कूलों को अभिभावकों से वसूल की गई फीस वापस लौटानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ा अपडेट आप देख रहे थे। और मध्य प्रदेश में अब अपात्र नहीं ले पाएंगे छात्रवृत्ति, सरकार नकेल कसेगी, टास्क फोर्स भी बनेगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। 33 नए, अब 40% नंबर आए तो होंगे पास। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू। प्राइवेट परीक्षार्थी भी सेमेस्टर एग्जाम देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिक परिवारों को 29 करोड़ रुपए जारी करेगी। श्रम विभाग की 6 योजनाओं का फायदा मिलेगा। वहीं हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला। समाधान शिविर में जाकर फॉर्म भरकर परिवार पहचान पत्र में इनकम कम करवा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में कुल 19 एजेंट
एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। रेवाड़ी से खाटू श्याम के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू 2 से 31 जुलाई के बीच चलेंगी, जंक्शन से 11:40 पर रवाना होगी। हरियाणा में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे अमित शाह, पंचकुला में बैठक होगी, 4,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। उत्तराखंड के ग्लेशियरों में बनी 5 जिलों की स्टडी की जाएगी। 2 जून को पिथौरागढ़ और चमोली में एक्सपोर्ट भेजे जाएंगे। भविष्य में होने वाली जो रिस्क है, खतरे है, उनका पता लगाया जाएगा। उत्तराखंड के ग्लेशियरों में 5 हाई रिस्क झील बनी हुई है और 2 जुलाई को इनकी स्टडी के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम को रवाना किया जाएगा। SBI क्लर्क मेंस एग्जाम के परिणाम जारी हो गए। भारतीय स्टेट बैंक ने SBI क्लर्क मेंस परिणाम जारी कर दिए हैं। अब 3 OMR सीट पर होगी UPPSC की परीक्षा। नकल माफिया के खिलाफ खास प्लान बनाया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कई दिनों से आयोग पर सवाल खड़े होने के बाद बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए 3 प्रतियों में OMR आंसर सीट तैयार करने का फैसला लिया, जिसमें 1 प्रति कोषागार में सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि भविष्य में OMR संबंधी किसी भी तरह के विवाद का सामना आने पर तीसरी प्रति के सत्यापन के माध्यम से विवाद को दूर किया जा सकेगा। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत भी लुढ़की, यानी सोना चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए सराफा बाजार से ये थोड़ी सी गुड न्यूज आई है। लगातार बाजार में 4 दिन से इसकी चमक फीकी पड़ रही है, यानी सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना 71,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी 86,761 रुपए प्रति किलो पर रही। MCX के ताजा अपडेट्स आप देख रहे थे। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसमें क्या सुधार होने चाहिए अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहे और हम ऐसे आगे बढ़ते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।